ये चैप्टर है रेलवे पार्ट टू का प्रोज भाग का 11th चैप्टर है, अमैरिज प्रपोजल। अमैरिज प्रपोजल जो लिखा गया किसके द्वारा? एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? एंटोन चेखव के द्वारा लिखा हुआ। ये एक नाटक है, कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पर कुछ नहीं, हम लोग समरी पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो उसको पढ़िएगा तो कुछ अलग आनंद आएगा। तो हंसते हंसते रहिएगा कि नहीं, हंसने लायक है। ये देखिए कह रहा है, अ मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी व्हिच हैज बीन रिटन बाय एंटोन चेखव। अ मैरिज प्रपोजल जो है क्या है? एक कॉमेडी है। कॉमेडी समझ रहे ना, हास्यकर, जो हंसने वाला एक कहानी है। व्हिच हैज बीन रिटन, जिसे लिखा गया किसके द्वारा? एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया जी? एंटोन चेखव के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। इन दिस कॉमेडी, और क्या इस कॉमेडी में देयर आर थ्री कैरेक्टर्स, तीन पात्र हैं। हु आर चुबोको, नतालिया एंड लोमो। देखिए कहानी कैसा है। ये एक नाटक है। इस नाटक में तीन पात्र हैं। एक है नतालिया, एक है चुबोको, एक है लोमो। लोमो चुबोको जो है पुराना जमींदार होता है, उनकी बेटी का नाम नतालिया है। और लोमोव जो है एक नया जमींदार है, उसी के पड़ोस में रहता है। ये जो है नतालिया की माँ जो है नहीं है, डेथ कर गई है। नतालिया और चुबोको रहते हैं। और यहाँ जो है लोमोव जो है अपने शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है नतालिया के घर, कि नतालिया से ये शादी करना चाहता है। कौन? लोमोव, जो उसके पड़ोसी है। ये बात अपने प्रस्ताव को रखता है, लेकिन ये सीधा करा अब मैरिज प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव। वो शादी का प्रस्ताव रखने के लिए जाता है, उसके पापा से बात करता है। तो उसके पापा जो है बड़े खुश होते हैं, यानी चुबोको जो है बड़ा खुश होता है कि चलिए मेरी बेटी जो है पड़ोस में ही रह जाएगी, शादी यहीं पर हो जाएगा। ये सोच अगल बगल में यही सोच करके वो खुश होते हैं। लेकिन अब वो अंदर जा करके लड़की को नतालिया को भेजते हैं इनके सामने। किसके सामने? लोगों के सामने, कि जाओ अपना मैंने जा करके भेंट कर लो। वह तो नहीं जान रही थी कि जो आए हैं लोमोव आए शादी के प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब ये जो लोमोव था, जब वो लड़की आई नतालिया आई सामने में, तो ये नर्वस हो गया। इसको शादी का प्रस्ताव अपना प्रपोजल रखना था, लेकिन अब सोचने लगा का कहे का न कहे। पहले मान लो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो फर्स्ट टाइम कैसे प्रस्ताव रख सकता है? नहीं रख सकता है। नहीं तो अब वही जो होता है जन्म करते हैं कि जो नहीं गया तुरंत प्रस्ताव रखा, तब तक सोचा कि दो चार हाथ बैठ गया, फिर भी उसके बाद चल दिया, फिर चल अगला में दूसरा का प्रपोज करेंगे, तीसरा का प्रपोज करेंगे। ऐसा होता है ना, सिस्टम फिल्मों में देखते हैं ना जब लोग, तो वैसा तो ना। लेकिन ये जब शादी का प्रस्ताव इसके साथ रखने की बात हुई, तो बेचारा ये शादी का प्रस्ताव नहीं रख पाया। और क्या हुआ कि ये कहने लगा कि तुम जानती हो यहाँ के जो है ये चारागाह है, चारागाह के मालिक कौन है तुमको मालूम है? अरे शादी के बात करना था, चरागाह को तुम कहाँ चला गया? तो वो बोली कि नहीं ये तुम, वो बोला कि मेरा है, वो बोले कि नहीं तुम्हारा नहीं है। इसी पर दोनों झगड़ बैठा, यानी झगड़ा हो गया। तब तक उसके पिताजी आते हैं और क्या करते हैं कि इस इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो नतालिया का पक्ष ले लेते हैं कि नहीं ये लोमोव का नहीं था, वो झूठ बोल रहा है। और इसी पर लोमोव गुस्सा करके चला जाता है। जब लोमोव जाता है तो नतालिया से तब ये बता, उसके पिताजी चुबो को बताते हैं कि वो लड़का जो आया था तुमसे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए आया था। जैसे सुनती है तो बोलती है कि आपको पहले बताना चाहिए था। पूरा गुस्सा आ जाती है और अपने पापा को डांटने लगते, कहते जाइए अभी उसको लिया कहिए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और यही होता है। फिर उसके पापा जाते हैं, फिर लेकर के वो आते हैं। तब वो कहती है, अब क्या कहती है कि तुम्हारा जो चरगाह है ना वो तुम्हारा ही था। अब याद रखिए शादी के बाद वो अपना ही होने वाला है, तो कहने में क्या दिक्कत है? देखिए ये कहानी ऐसे शुरुआत होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अ मैरिज प्रपोजल इज अ कॉमेडी। ये क्या है? एक कॉमेडी है व्हिच हैज बीन रिटन, जिसे लिखा गया रिटन बाय किसके द्वारा? एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। इन दिस कॉमेडी, इस कॉमेडी में देयर आर थ्री कैरेक्टर्स। कितने पात्र हैं? तीन पात्र हैं। कौन कौन? चुबोको, नतालिया और लोमो। तीन पात्र हैं। चुबोको इज एन ओल्ड लैंडलॉर्ड। चुबोको जो है पुराना जमीन
जमींदार है, ऐसा जी पुराना जमींदार है कि पुराना पहले पुराना जमींदार कह सकते हैं, बुजुर्ग जमींदार भी कह सकते उनकी बेसी है तो उस दृष्टि को है कि ही आज अडाउडर उनकी एक बेटी है नेम्ड नतालिया, नाम क्या है नतालिया है, वो इज अनमैरिड जो क्या है कुंवारी है, जो कुंवारी है। लोमोव इज दियर नेबर, लोमोव जो है नतालिया और जुबोको के पड़ोसी है, लोमोव जो है किसका पड़ोसी है नतालिया और लोमोव जो है जुबोको के पड़ोसी है। एंड ही इज ऑल्सो अ लैंडलॉर्ड, वो भी एक का है जमींदार है, कौन लोमोव भी एक जमींदार है। ही वांट्स टू मैरी नतालिया, वो नतालिया से शादी करना चाहता है। लोमोव गोज टू द हाउस ऑफ चुबोको, लोमोव जो है चुबोको के घर जाता है एंड टॉक्स अबाउट द मैरिज ऑफ नतालिया, और नतालिया के शादी के बारे में चर्चा करता है, बात करता है किससे चुबोको से, किसे बात करता है चुबोको से बात करता है। चुबोको बिकम्स वेरी हैप्पी टू नो इट, चुबोको जो है बहुत खुश होता है इसे जानकर, इसे इस चीजों को जानकर कि नहीं लोमोव आया शादी के प्रस्ताव लेकर के, तो बहुत ही खुश होता है। और चुबोको जो है गोज इन अंदर जाता है एंड सेंड भेजता है नतालिया, किसको नतालिया को भेजता है टू लोमोव, किसके पास लोमोव के पास भेज देता है। लेकिन क्या देखिए लोमोव के पास भेजता है लेकिन ये नहीं कहता है कि वो शादी का प्रस्ताव रखने के लिए आता है, वो ऐसी कहता है कि जाओ लोमोव आया है उसे मिल लो, इस हिसाब से वो भेज देता है। जब नतालिया कम्स टू लोमोव, जब नतालिया जो है लोमोव के पास आती है, ही बिकम्स सो नर्वस, वो बहुत नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, यानी कह सकते हैं भवाहक हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें क्या न कहें, यानी ऐसा होता है जो मान लीजिए अधिक बोलने वाले से कोई लोग होते बोल देते अलग से, लेकिन अगर बढ़िया बढ़िया लोगों को अगर अनजान, तुम भी एक लड़की को नहीं जान रहे हो, वो भी लड़का को नहीं जान, डायरेक्ट आ जाए कि दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर दो, तो पता नहीं चलेगा दोनों पहले खड़ा हो तो बोले तो क्या बोले, गलत नहीं कर रहे हैं, ये होते रहता है। अक्सर लोग बोलने वाले बोलते हंस रहा है, सही बात बोल, अगर ये घटना तुम्हारे ही साथ नहीं किसी के साथ नहीं घटना, तुम्हारे तुम्हें को ऐसे तुम बड़ो तो बोलता है, जब खड़ा हो जाए किसी के सामने अगर कहा जाए कि नहीं तुमको बोलना है तो वहाँ जितना आपका भक्का है सब निकल जाता है। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आप उसी के लेकर अभी अभी बैठे हैं, बैठ कर हंस लेते हैं, अब वही किसी को बुलाएंगे तुम यहाँ आकर के तनी हंसो तो नहीं हंस पाएगा, तो वही होता है नर्वस हो जाता है। That he cannot say his proposal directly, लोमोव जो है इतना नर्वस हो जाता है कि वह जो है अपना प्रस्ताव डायरेक्ट नहीं कह सकता है, प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रस्ताव नहीं कह सकता है। इन हिज नर्वसनेस, अपने नर्वसनेस में भवहकता में he begins to talk about the ownership of the meadow, यानी वो नर्वस इतना है कि उसमें वो काम करने लगता है कि चारागाह के मालिकाना के बारे में बात करने लगता है। बात करना था शादी का, अब बात करने लगा खेत बधार का कि वो जो खेत में चारागाह है उसका मालिक कौन है, इसके बारे में जिक्र करने लगता है, कौन लोमोव, लोमोव नतालिया से ऐसी बात करने लगता है। ये वो डायरेक्ट कैसे तुरंत आया कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अक्सर ये ऐसे ऐसे मैटर हुआ है, मान लीजिए जो भी है कि बहुत जैसे लड़का जो है लड़कियों को काट दिया है कि नहीं हम इससे शादी नहीं करेंगे, चाहे मेरे को पसंद नहीं, बहुत जगह ऐसे भी लड़कियों काट दी है भाई हमको भी लड़का पसंद नहीं, क्या अब मान लो लड़की को काट दिए चलो बड़ी खुश हुई हम लड़की का काट दिए, लड़की अगर लड़का को काट दी तो कि मुझे पसंद नहीं है तो मालूम चला मुंह बना के चल दिया, गलत नहीं कह रहे हैं रवि, सही बात है, तो ऐसा होता है। They begin to quarrel, इसी बात को यह मालिकाना के लेकर के दोनों आपस में झगड़ जाते हैं एंड दे बिगिन टू क्वारल, लड़ने लगते हैं ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर। वो कहती है कि नहीं तुम्हारा नहीं है, वो कहता है कि मेरा है, इसी को लेकर के क्या होता है झगड़ने लगते हैं। फिर क्या होता है कि तब तक आता है चुबोको अंदर से और नतालिया का पक्ष ले लेता है और
इतना ही पर लोमोव जो घुसा करके चला जाता है। जब लोमोव चला जाता है तो चुबोको टेक्स नतालिया, तब जाकर चुबोको जो है नतालिया से कहता है दैट कि ही वांट्स टू मैरी यू हर, वह जो है उससे शादी करना चाहता है, यानी लोमोव जो है तुमसे शादी करना चाहता है। एंड ही हैज पुट हिज प्रपोजल विद हर, और वह तुमसे अपना शादी का प्रस्ताव रखा है। जैसे ही ये बात सुनती है कि भाई शादी के प्रस्ताव तो इस सब को बात को बातें नहीं किया था, वो बात करता तो हम थोड़े कहते तुम्हारा नहीं हो, तो हम कहिए तो तुम्हारा है, लेकिन सब बातें नहीं किया था। चुबोको गोज टू लोग, तभी कहती है कि नहीं अभी आप जाइए और उनको लेकर के आइए, मैं उनसे शादी करूंगी। यानी चुबोको गोज टू लोगों लोगों के पास जाता एंड कम्स बैक विद हिम, और क्या होता है उसी के साथ वापस आता है। फिर जब लोमो कम्स बैक, जब लोमो वापस आता है, नतालिया एक्सेप्ट, नतालिया स्वीकार करती है दैट कि द मीडोज जो ये घास के चरागाह है मैदान थे, वर हिज ऑन, तुम्हारा अपना था, ये दूसरा कोई के नहीं है। यानी उस शुरू में नहीं बोली, लेकिन अब शादी के बाद चलने लगा तो बोली कि नहीं भाई तुम्हारा ही था, कहे कम कहे कह के कहे कि तुम्हारा नहीं था जी, स्वीकार करती है हिज मैरिज प्रपोजल, अपने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। एंड दे बिकम फॉर ईच अदर, वे लोग एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कौन नतालिया और दस। इस प्रकार दिस कॉमेडी रिवॉल्व, यह जो कॉमेडी है घूमते रहता है राउंड टू इमोशनल कैरेक्टर, दो भावों के पात्रों के बीच ये काम होते रहता है, घूमते रहता है। क्या कोई दिक्कत है, ये देखा गया कि दो पात्रों के बीच ये कॉमेडी जो है कहानी जो चलते रहता है, कौन अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, इसमें नहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट अगला चैप्टर